नमस्कार। इस समय विधानसभा जोराबाद में है और विधानसभा जोराबाद में राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का करवा आगे तक नजर आ रहा है और ये विधानसभा जोराबाद ओम प्रकाश राजभर का दो बार विधायकी का क्षेत्र है, जहां के जोराबाद के जनता के खास बीच उपस्थित है और यहां जो है संगठन चल रहा है, उन्हीं बीच हमारे साथ कुछ लोग की उपस्थिति है। उनसे बात करेंगे कि आज किस तरह का जो है मीटिंग किया गया और क्या खास इससे जनता के लिए क्या लाभ होगा। स्वागत है, अपना परिचय बताएं। जी धन्यवाद, मैं ब्रिजराज राजभर, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, आपका धन्यवाद करता हूं। आज क्या तैयारी चल रही है और इससे जो है क्षेत्र में जनता के बीच क्या कुछ जानकारी मिल रहा है? जी, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के नीति सिद्धांत विचारों से लोग बहुत प्रभावित हैं और नेताजी ने जो नींव आज से 40 साल पहले जो जिस बीज को बोया था इस जोराबाद की धरती पर, वो जम चुका है और पनप रहा है और वो इतना तेजी से पनप रहा है कि इसका फल आपको कुछ समय बाद यानी आगामी विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उनके विचार और सिद्धांतों पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। क्या चुनावी जो ये जिला पंचायत के चुनाव की बात किया जाए तो ये पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है? जी जी जी, इसमें त्रिस्तरीय का जो चुनाव पंचायत का होता है उसमें भी और आगामी 2027 में विधानसभा का भी जो चुनाव है उसमें राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और अपने जो उम्मीदवार उतारेगी उसके संदर्भ में आज ही से लग गई है और उसकी तैयारी हम लोग 2027 से पूर्व पूरे जिले या पूरे पूर्वांचल में हम लोग एक छाप अपनी छोड़ देंगे। यानी कि राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी अपने कारवा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है और चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों में जुट गई है और जो त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं उस चुनाव से पहले उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए जनता के बीच उपस्थित हो रही है। इन्हीं बीच तमाम लोग हैं, आपसे भी परिचय चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सीताराम राजभर है जी। इस पार्टी से क्या हैं आप? इस पार्टी के हम संस्थापक सदस्य हैं राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के। पार्टी का क्या मकसद है जनता के बीच में, जनता को क्या एक जागरूक करके और जनता के लिए क्या कुछ? जनता के बीच में हम जाकर के जनता के पिछड़ेपन को, पिछड़ेपन का एहसास करा रहे हैं और लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और राम आशीष जी राजभर जी के कारवां को हम लेकर के आगे चल रहे हैं। हम लोग अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों में जाकर के ये जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग संगठित होकर के और जिला पंचायत के चुनाव से लगाई और विधानसभा चुनाव तक की हम तैयारी कर रहे हैं। आपका परिचय? हमारा परिचय कामरेड रामनाथ चकसिया के रहने वाले हैं। जमाने से ये राजनीतिक दल में रहे हैं, अभी भी मेरे सोच है कि इसको चलाया जाए। तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का क्षेत्र है और यहाँ क्षेत्र में राजभर समाज काफी जो है विकास को लेकर अपनी उम्मीदें जगाए, लेकिन क्या लगा कि उनका विकास का उम्मीद अधूरा रहा? भाई, विकास का अधूरा तो नहीं रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि नेता तो मैं पैदा कर दिया जी, अगर वो चले जाएंगे तो और हमको पैदा करना है इस धरती पर ना नेता। अच्छा। तो मेरी यही सोच है कि हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी दो शब्द चाहेंगे। मैं राधे श्याम राजभर चकसिया से। क्या लग रहा है ये पार्टी के साथ क्या कुछ आगे दिख रहा है भविष्य की, क्या इससे भला हो पाएगा? पार्टी के साथ तो हाल में हम लोग जुड़े हैं, लेकिन अब इसी में प्रबंधन का विचार कर रहा है कि नौजवान ओम प्रकाश राजभर को भी दो बार मौका दिया। दो बार उनको मौका दिया, फिर चाहते हैं कि इनको भी मौका दिया जाए। तो क्या ओम प्रकाश राजभर विधायक से मंत्री बन गए, कोई आप लोग को कोई अवसर मिला? अरे कुछ नहीं कहेगा, पहले तो आए तो ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव जीत कर गए तो अब दिल्ली में प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तब लौटेंगे यहाँ। तब से कोई हालचाल नहीं? हालचाल नहीं लिया। ये रहा हालत और ये जोराबाद के जनता से हम सीधे बात कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं विजय बहादुर राजभर ग्राम सुंदर काशनाबाद से बोल रहा हूँ। ये राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी ये अति भिड़ावर संघर्ष समिति के नाम से बनी है। जो इस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय राम सिंह राजभर जी 40 वर्षों से संगठन चला रहे थे, उन्हीं के नाम से ये पार्टी बनी है। इस समाज को जगाने के लिए गाँव गाँव में चलते थे और हम इस जमात को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम करवा चला रहे हैं। ये आने वाली ये पंचायत चुनाव में ये पार्टी हमारी हर जगह चुनाव लड़ेगी इस जनपद में और आने वाला विधानसभा में चुनाव इस जोराबाद में एक तरफा हम लोग कमरा भी लाना चाहता हूँ। इसी के साथ चलिए, कुछ लोग इधर भी हैं, ये जोराबाद की ही जनता है। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का आप लोग के क्षेत्र के हैं और आप लोग ने दो बार मौका दिया, क्या कुछ विकास विकास किए? ना ना किए, मुलाकातों ना हुआ ना, आज तक नहीं आए ना।
तो क्या लग रहा है कि राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा एक जो है उम्मीद रखता है, लेकिन क्या उम्मीद ओम प्रकाश राजभर अभी राजभर समाज के लिए कुछ विकास को लेकर नहीं कुछ करता, तो अब क्या आशा उम्मीद है ये पार्टी के साथ? अब हम लोग करेगा ना भाई। अच्छा, चलिए क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम महेश चौहान है, राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। इस अति दलित और अति पिछड़ा वर्गों के लिए यहाँ जितने भी विधायक और सांसद बने, आज तक कोई इन लोगों के हित के लिए कोई भी काम नहीं किए, और हमारी राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का यह कारवा बहुत तेजी से चला रहे हैं। हम लोग हर गांव में जाकर चौपाल लगा करके और बता रहे हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक यही मंच मिला है जो हमारे राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के जन्मदाता स्वर्गीय रामशीष राजभर जी ने यह कह कर गए हैं कि जब तक जातिगत जनगणना करा करके और आरक्षण लागू नहीं करा दिया जाएगा, तब तक इस अति दलित और अति बैकवर्डों का ही भलाई नहीं होगा। तो यह बात हम अपनी जा करके गांव-गांव में बताते हैं, और हर गांव में लोग इस गांव से इस बात से बहुत ही आकर्षित हैं और प्रभावित हैं, और आने वाले चुनाव जिला पंचायत हो या 2027 में विधानसभा चुनाव हो, इसकी तैयारी हमारी पार्टी हर गांव-गांव में जा करके और लोगों को बताने का काम हम लोग कर रहे हैं, और इससे हर गांव में जाने पर गांवों से यह हम लोग को मिल रहा है, बातें प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं गरीब के लड़के को ही हम लोग विधायक बनाएंगे तब भी जा करके गरीबों का दर्द वह विधानसभा में अपनी आवाज को उठाएगा। आज तक जितने भी यहाँ विधायक बने हैं और सांसद बने हैं वह जा करके लखनऊ विधानसभा में और दिल्ली पार्लियामेंट में रसमलाई काटने का काम किए हैं, और यहाँ गरीबों की आवाजों को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। गरीबों की आवाज को उठाने के में वहाँ सांसद और विधानसभा में बैठते हैं तो डरने लगते हैं, और यहाँ आकर कहते हैं कि नहीं मैं गरीबों की आवाज उठाऊंगा, लेकिन यह धोखाधड़ी से वोट लेकर चले गए हैं और जाते जाने के बाद भूल जा रहे हैं। अब यह गरीब लोग सतर्क हो गए हैं, आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में आने वाले में यह जनता जहूराबाद विधानसभा की बहुत ही उतावला हो गई है कि जो विधायक मन कर गए हैं दो दो बार हम लोग बनाए हैं, और इस जहूराबाद के धरती पे कोई भी काम धरती वाला धरती पे नहीं हुआ है। जितना भी काम वहाँ सिर्फ आकाशी और जवानी से कहा जा रहा है, यहाँ धरती पे कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। पूरे पार्टी का दावा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए, अब विधानसभा चुनाव में ये पार्टी जो है तमाम अपने प्रयासों से उम्मीदवार को उतारेगी और विधायक की चुनाव में जो है पूरा अपना दमखम लगाएगी। तो समय जोहराबाद की उस जनता से बात की, और भी न्यूज इंडिया पे खास ये तस्वीर है इस वक्त के लिए।